Hello everyone, I am Shweta Amri Sharma from KMS Fashion. So today we are here with our new series of MCQs, that is MCQ series 6. So already we uploaded 5 series of questions. So ये आप ले सकते हैं, आप हमारी playlist में जाइए, देखिएगा तो फिर वहाँ पर आपको इससे complete details मिल जाएगी. And as per your request, जो next हमारी series आएगी, जो हमारी series 7th आएगी, means कल की जो video आएगी, that is on your child development. ओके, वो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आएगी. सो उसको भी देखना ना भूलिएगा. सेम एज जो चाइल्ड डेवलपमेंट की हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, आप उसको भी परस्यू कर सकते हैं अलोंग विद योर नोट्स एज वेल एज योर टेस्ट सीरीज. ओके, सो वो भी आप परस्यू कर सकते हैं. और इसके साथ ही आप टेक्सटाइल्स की बात करें अगर हम, या फिर आप अपेरल की बात करें, अपेरल डिज़ाइनिंग की, या फिर आप इंटीरियर्स, हाउसिंग एंड इंटीरियर्स की बात करें, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं. और इसके बाद जो हमारी यूनिट आने वाली है वो हमारे रिलेट करेगी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट से, या फिर साथ के साथ हमारी फैमिली स्टडीज़ से. ओके, सो उनको भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. सो ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमें इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आप पूछ सकते हैं. सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ फ्यू ट्रेडिशनल मोटिव्स ऑन कांथा एम्ब्रॉयडरी आर. इफ़ आई टॉक अबाउट द कांथा एम्ब्रॉयडरी, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द एम्ब्रॉयडरी पार्ट इटसेल्फ. एम्ब्रॉयडरी, कांथा एम्ब्रॉयडरी जो है उसके अंदर कौन कौन से ट्रेडिशनल मोटिव्स हैं, मीन्स जो एंशियंट टाइम से मोटिव्स चले आ रहे हैं. सो तुलसी, कति, पद्मा, ट्री ऑफ लाइफ एंड कलका. सो इफ़ आई टॉक अबाउट, आई विल टेल यू ऑल द कांथा एम्ब्रॉयडरी मोटिव्स हेयर. ओके, नॉट ओनली सिर्फ जो इस इन ऑप्शंस में है, मैं सारे के सारे आपको बताऊंगी. तो सबसे पहला अगर हम मोटिव की बात करते हैं, दैट इज़ आर ट्री ऑफ लाइफ. ठीक है, पहला मोटिव कौन सा है हमारा, ट्री ऑफ लाइफ है. इट इज़ अ सिंपल सिंबल ऑफ एवर ग्रोइंग लाइफ. ये हमारा सिंबल है एवर ग्रोइंग लाइफ का. और वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी. इट इज़ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी. ओके, सो एक तो हमारा ये हो गया. सो दैट मीन्स थर्ड इज आना चाहिए. सो थर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है. ग्रेट. सो दैट मीन्स फर्स्टली सेकेंड को यू नीड टू एलिमिनेट दिस ऑप्शन. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट, नेक्स्ट सिंबल इज माई लोटस, लोटस मोटिव. एंड लोटस को हम, वी ऑल्सो सेड इट पद्मा और कमलन, कमला. सो हम लोटस को ही पद्मा बोलते हैं और कमल बोलते हैं. सो सेकेंड भी हमारा ऑप्शन में रहेगा. सो जस्ट सी सेकेंड एंड सेकेंड. सो आई ऑल्सो हैव टू एलिमिनेट द थर्ड ऑप्शन इट्सेल्फ. ओके, सो नेक्स्ट माई मोटिव इज फिश. आई एम टेलिंग अबाउट द ट्रेडिशनल मोटिव्स. एंड नेक्स्ट इज कलका. सो येस, कलका मोटिव इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो वी नीड टू एलिमिनेट फर्स्ट ऑल्सो. सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर. सो अगर मैं बाकी, इफ आई टॉक अबाउट अदर मोटिव्स ऑल्सो, सो वी हैव अ ट्रेडिशनल मोटिव नोन एज स्वास्तिक, एज वेल एज सोलर एंड व्हील. सो दीज ऑल आर द ट्रेडिशनल मोटिव्स यूज इन कांथा एम्ब्रॉयड्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिज़ाइन फीचर यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ फुलनेस. सो इफ़ आई नीड टू गिव फुलनेस, अगर आपने डार्ट इक्विवेलेंट वाली वीडियो पढ़ी होगी एंड आपको पता होगा कि फुलनेस क्या होती है, देन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आप लोगों के लिए. पॉकेट टक, डार्ट टक एंड गैदर्स. सो पॉकेट्स, आई नो पॉकेट क्या चीज़ होती है, इट इज़ एन फंक्शनल एज वेल एज डेकोरेटिव. ठीक है, एंड इट इज़ नो एवर वी कैन से दैट वी यूज्ड पॉकेट फॉर फुलनेस. हम पॉकेट को फुलनेस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वी ऑलरेडी नो दिस. सो जस्ट एलिमिनेट फर्स्ट, जहाँ जहाँ आपके फर्स्ट है, जस्ट डू एलिमिनेट ऑल दोज. सो दिस, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन द ऑप्शंस इटसेल्फ. ओके, जस्ट बी क्लियर विद द ऑप्शंस दैट योर टक्स, योर डार्ट एंड योर गैदर्स आर फॉर फुलनेस. सो अगर हम बात करते हैं फुलनेस के लिए, आपके टक्स, आपके डार्ट, आपकी गैदर्स. इफ़ आई टेल अबाउट अदर्स, सो आपकी प्लीट्स, ये सारी आपकी फुलनेस देती है. क्लियर. इसके अंदर हम एक और ऐड कर सकते हैं, आपके फोल्ड्स.
योर फोल्ड्स, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें फुलनेस को देती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर काउंटिंग यार्न. सो वॉट दे आर आस्किंग अबाउट दैट इफ आई एम टेकिंग दिस दिस इज माई वेफ्ट, दिस इज वॉप. सो इफ आई नीड टू काउंट द यार्न्स, वॉट इज द मैथड? यस टेल मी वॉट इज द मैथड. क्रुक मीटर इज यूज फॉर रबिंग. क्रुक मीटर किस लिए होता है? रबिंग कलर फास्टनेस के लिए, ठीक है. कटर किस लिए होता है? कटिंग के लिए. कटर किस लिए होता है? कटिंग कट करने के लिए. वेट मशीन किस लिए होती है? वेट मशीन वेट को मेजर करने के लिए. सो व्हाट्स लेफ्ट? पिक ग्लास क्या होता है? 1 इंच × 1 इंच हम वॉप और एज वेल एज वेफ्ट को जज कर सकते हैं, दैट हाउ मच आर यार्न्स आर देयर, ठीक है. थ्रेड को काउंट कर सकते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज आर पिक ग्लास. पिक ग्लास जो है वो हमारा सही आंसर है यहाँ पर. पाइल वीव इज फाउंड इन. सो पाइल वीव कैसे बनती है? लूम पे बनती है. यस लूम पे बनती है और वीव के द्वारा बनती है. सो टेल मी वॉट आर द फैब्रिक यूज मेड विद पाइल वीव. सो इफ आई टॉक अबाउट ऑल द फैब्रिक्स इट्सेल्फ, आई नो दैट डेनिम इज मेड विद ट्विल. डेनिम किससे है? ट्विल वीव से बनती है. सो फोर्थ वन, जस्ट एलिमिनेट फोर्थ. So you get the answer. Other three are the example of my pile weave. So we can say my velvet, terry, towel as well as corduroy. अब now corduroy कौन सा होता है? Cut pile से बनती है. Cut pile. Okay. So next question, tension regulator is a tension regulator. What they are talking about? Tension regulator कहाँ पर होता है? Tension मतलब खिंचावट. कितना खिंचावट को रेगुलेट कर सकते हैं? कहाँ होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट स्विंग मशीन. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्विंग मशीन. यस इट इज़ ट्रू. ब्लड प्रेशर मशीन कॉम्पोनेंट होता है? नो, नन ऑफ दीज नो. एंड लूम कॉम्पोनेंट? नो. सो करेक्ट ऑप्शन इज स्विंग मशीन पार्ट. जामदानीज द डेकोरेटेड मसलिन आर ऑल्सो रेफर टू एज. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट जामदानीज. सो लिख लो क्या होता है जामदानी. फाइन मसलिन टेक्सटाइल्स है, ठीक है. इट इज़ अ फाइन मसलिन टेक्सटाइल्स. सो इफ आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज ऑल्सो. लाइक जरकदोजी इज मेड ऑफ वूल एंड इट इज ऑफ कश्मीर, ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट, सो जस्ट एलिमिनेट फर्स्ट. ओके वी एलिमिनेट. नाउ वॉट आर अदर्स? आई विल टेल यू अबाउट द जामदानी. नाउ शरबती, वॉट इज शरबती? इट इज स्वीट एज शरबत. ओके इट इज अ पार्ट ऑफ अ जामदानी, ठीक है. नेक्स्ट इज अब्रावन. वॉट इज अब्रावन? इट इज रनिंग वॉटर. यस राइट इट ऑन अ पेपर. गाइज ये चीज़ें आपको और कहीं ढूंढनी पड़ेगी. इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो सेल्फ स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो दीज थिंग्स आर सो मच डिस्क्रिप्टिव. जस्ट डोंट गेट टू दैट पर्टिकुलर लेवल बिकॉज यू नीड नॉट टू गो देयर इट सेल्फ. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. जो भी ज़रूरी है मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इसको लिख लीजिए और इसको बार बार आप एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना. सो यू गेट टू नो. सो दिस इज प्रेजेंटेशन. संगति. संगति इज प्रेजेंटेशन. एंड लास्ट इज शबनम. शबनम इज इवनिंग ड्यू. फोग जो अच्छी सी मिस्ट होती है ना, है ना, ओस कह सकते हैं. दैट इज. सो ये चार जो हैं ये हमारी क्या है? फाइन मसलिन टेक्सटाइल्स है. सो सेकेंड एंड थर्ड इज द आंसर. सो आंसर नंबर सेकेंड. Others we need to Baluchery. We know it is not a part of Jamdani. So we just eliminate that particular. Next question, how many primary and tertiary colors? Yes guys, I already told you about. Just whenever color question comes, just make a diagram of color itself. So this is my red, blue and yellow. क्या है ये? Red, blue, RB, Y क्या है? Primary. सो प्राइमरी कितने होते हैं? तीन. सबसे पहले प्राइमरी तीन होते हैं. देखो ये प्राइमरी, जस्ट एलिमिनेट दोज थ्री.
Now, if I talk about after primary, what are by mixing primary, I have secondary. So, I am making it in a dotted line. This is my dotted is secondary. Red or blue? Yes, red, blue. If I mix my red and blue, purple, violet, red and yellow, orange, and blue and yellow, green. So, three are my secondary. Next is, we say tertiary or intermediate. So, by having one secondary, one primary. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means I have 6 tertiary. Or we can say intermediate. So, my answer is second. Is correct. Get it? Just learn how to make this infrequent. Okay? Next question. Hydrogen peroxide. Yes, what it is? Everyone, you know universal. What is universal? What I am talking about? Universal bleach. Hydrogen peroxide. Hai na? Har tarha ke jo fabrics hote hain, you can use it in every kind of, almost every kind of fabrics. So, it is your universal bleach. Hue, value, intensity. What are these? We are talking about color. Yes, hue means color itself. Value, intensity is dullness and brightness. So, structural design, no. Texture, no. Line, no. So, it is a color. Answer number 3. Okay. Next question, which one of these fiber is produced by wet spinning method? Yes, now comes. Firstly, what is wet spinning method? Wet matlab geela. Jiske andar we need to dissolve in solvent. Kahan hota hai polymer? We need to dissolve the polymer in some solvent. We have two types. Dry spinning as well as wet spinning. So dry we need not any kind of dissolving purpose, but in wet hume dissolve karna padta hai. So agar main naam likhti hun, just write the names. Acrylic, rayon, mod acrylic, RMS, theek hai, and spandex. So, these are the fabrics which are made with the wet spinning method. So, here answer is rayon. Next question, which one is not a type of placket? So, placket kya hota hai hamari? Fastener. Ek kisam se fastener ka kaam karti hai. So, kaun si nahi hai? Here also, just write the names of the different kind of plackets. We have continuous. So, that means ye to hai. They are asking about not. Kya nahi hai? ठीक है एंड बाउंड फेस्ड मीटर जिपर ओके फेस्ड प्लेकेट ओपन सो टू पीस प्लेकेट सो देयर आर सेवरल टाइप बट व्हाट इज नॉट एक्सपोज्ड इज नॉट एक्सपोज्ड नहीं होती इट इज नॉट अ टाइप ऑफ अ प्लेकेट सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question, two types of design. Yes, guys, they are talking about design. What are different kind of design? Yes, what are? We talk about structural design. Kehte hai na? Jo humara integral part hota hai. Then decorative design, which is used for a surface enhancement. As well as ek aur bhi hota hai. Kya hota hai? Functional. Functional design. So, we have these kind of designs. So, in this particular, we need to eliminate second and third. Just eliminate. So, answer number 4 is your correct option. Okay. Which one of the following yarn is not? They are asking about not a novelty yarn. Yes. Novelty ko kya bolte hain hum? Fancy. Hai na? Fancy bolte hain. So, इससे अलावा क्या होते हैं बेसिक बेसिक यार्न्स कौन से हो गए हमारे यस टेल मी सिंगल इफ आई ट्विस्ट फाइबर सिंगल प्रोड्यूस्ड इफ आई ट्विस्ट सिंगल
ply produce and if I twist ply cord produce. So यहाँ पर it is a twist, correct? Correct. So novelty, I have slub, I have chenille, I have loop, I have retine, I have nub, okay, I have buckle. So these all are my novelty or we can say fancy yarns. So correct option is knot ke liye we have single, correct. Next, which of the followings are protein fibers? Yes, protein means animal. कौन से हैं? Wool as well as silk. So we also said it a proteinic fibers, है ना? Yes, so those are first and second. Just eliminate others. Next. Which of the following are the features of sale promotion? What are the features of sale promotion that I need to promote sale? क्यों करती हूँ मैं सेल प्रमोट, क्यों करती हूँ किसी भी चीज़ को? जब कहते हैं ना कि प्रमोशंस कर रहे हैं हम, सेल लगा रहे हैं, तो क्यों किया जाता है? सेल प्रमोशन डज नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग सेल. नो, इट इज़ नॉट सो. सेल तो प्रमोशन काम ही करता है कि वो इंक्रीज करे सेल को. तो फर्स्ट वाले को कट कर दीजिए जिसमें भी फर्स्ट ऑप्शंस है. सो आंसर नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है. लेट्स सी अदर्स. सेल प्रमोशन डज नॉट हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. दैट्स ट्रू. हम सेल कब करते हैं? व्हेन वी डू सेल्स, जब हमें अपने माल को निकालना होता है, ठीक है? जब हमें क्या करना है, क्लियरेंस, क्लियरेंस की सेल होती है, डिस्काउंट सेल होती है. सो हम नए प्रोडक्ट की, वी डोंट डू सेल्स फॉर अ न्यू प्रोडक्ट. ओके, सो इट इज ट्रू. थ्रू सेल प्रमोशन कंज्यूमर गेट द प्रोडक्ट एट अ चीपर रेट. एग्जैक्टली, डिस्काउंटेड होता है, दे गेट इन अ चीपर रेट. चीपर रेट पे तो हमें मिलती है. ट्रू. सेल प्रमोशन डज नॉट हेल्प द कस्टमर टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. ऑल्सो इट इज सो, बिकॉज वेन आई एम गिविंग मोर मनी देन आई I am very much curious to know the information about my product itself. But if I am taking something in discount, then I don't care about the information. ठीक है? Which of the following method of data collection can be effectively used while working with children? So if I need to talk to a child, so I have to know about that whether he know writing, listening or everything. So we have questionnaire. By questionnaire, child should be able to write something, okay, or tick mark. Observation. While doing observing means while observing a child or interviewing ki usse baatcheet karke, and none of these is none of these. So best method agar hoga, that is our interview method. When I talk to child, if I talk to child, that is really good method for data collection while working with children. Which of the following is not a neckline? So here I need to know firstly different kind of necklines. Write down. Kitni pata hai aap logo ko? Boat neck or cowl neck. Firstly write. Jo whenever you are, I am not telling you that just do this thing in your exam, but I am telling you whenever you do any kind of question, just thoroughly play with your mind that what kind of information you already know. मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट करें, ये देखें कि आपको कितना रिटेन कर पाते हो. सो पहले तो नॉट पूछा है, नॉट तो मेरे को समझ आ जाएगा, लेकिन नेकलाइन कौन कौन सी होती है? तो बोट नेक, काउल नेक और कॉलर्ड और हॉल्टर और टर्टल नेक होती है, हाई नेक और की होल. इसमें से भी देख लीजिए ना, है ना? स्कोप्ड, स्वीट हार्ट, की होल, स्कोप्ड, स्वीट हार्ट, क्वीन. यस, और बताओ, स्क्वायर, राउंड और सरप्लस.
So these all are my necklines, but saddler is not a neckline. Okay, that's why saddler is the answer. Which of the following is not part of garment pattern? So they are talking about pattern. They are talking about pattern. कौन सा pattern का part नहीं होता? So every pattern has a cutting line, seam line, as well as grain line. So what is not a diagonal line is not a part of any kind of pattern. Get it? Which of the following is not a woven fabric? Yes, again, woven. Woven कौन सा होता है? जिसको हमने weaving के through. So other क्या होता है? Other than weaving क्या होता है? हमारा knitting. So yes, what is a part of knitting? Jersey. Because we already have studied na that velvet, corduroy, these are made with pile weave. So correct option for this particular question is my jersey. Okay, which of the following is not? So here today we are learning about all the notes. सारे नोट की बात कर रहे हैं हम. एग्जाम्पल ऑफ सरफेस फिगर वीव. ये सरफेस फिगर वीव क्या होती है? विच एनहांस द सरफेस. वी कैन से डेकोरेटिव वीव. वी कैन से डेकोरेटिव वीव. यस, टेल मी व्हाट आर द काइंड्स. व्हाट आर द काइंड्स? लेपेड, देन स्विल, स्पॉट, लेनो, जेकार्ड. Just name all whatever you know. Double cloth, dobby. Okay, so these all are my surface figure weave. So your lano, leopard, swirl and sport are the your decorative weave. And what is twill? Yes, now just write basic weaves. Kitni tarah ki hoti hai? Three tarah ki. What are these? Plain weave, twill weave, satin weave. If you need to more elaborate it, just tell me. Plain कितनी तरह की होती है? दो, rib and basket. Twill क्या जाता है? Right hand, left hand, broken, zigzag, even, uneven. Then satin and sateen. So like this I am saying, just do each and every kind of question, guys. Next question, which of the following is an example of enclosed seam? I am talking about seams. Yes, just see the YouTube videos on seam. Okay, so what are those seam? If I talk about kitni tarah ki hamari jo seams hoti hain, wo kaun kaun si hoti hai? Enclosed means jo aapki closed hoti hai, jiske raw edges aapko nahi dikhte. So for this particular, if I said that your run and fell seam kahan use hoti hai? In your denims, jeans, as well as your tents. So correct option for this particular question is first. Which of the following is a Gujarat embroidery? So Gujarat ki embroideries kaun kaun si hoti hai? Name them. Yes, ahir, kanbi, and what is heer? What is heer? Remember heer bharat, or we can say what is the other name iska? The bani. So all of these are the correct option. Next question, which of the following are elements of design? If I talk about the elements itself, so in this element of design, what are the elements, guys? Color, line, shape, jisko hum form bhi bolte hain, light, pattern, as well as your texture. So yes, name them, just eliminate others. Your line as well as your texture is the correct option. So eliminate others, second and fourth. So second and fourth. So first is correct option.
Last question for today is, which of these are printed textiles? So printed textiles, if I talk about, then first is bandha. Bandha is a resist dyeing. It is a resist dyeing. ठीक है, बांधने की टेक्निक. Then it is a printed printing. किस चीज की होती है ये? दाबू प्रिंटिंग होती है ना. ठीक है, अजरक. अजरक क्या होता है? ये भी हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग. इट इज ऑल्सो अ ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक एंड इट इज अ वीविंग. सो हेयर वॉट आर सेकेंड एंड थर्ड आर? सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट. सो एलिमिनेट अदर्स एंड आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. So hopefully you like this series. We have MCQs series from 1st to 6th that is completely on textiles as well as our apparel design. Okay, so hopefully you like it. Next series we will come with child development itself. So please like, share, comment and subscribe on the video itself. Take care. Have a nice time. Have a nice